मानव शरीर एक मानव जीव की संपूर्ण संरचना है जिसमें एक सिर, गर्दन, धड़, दो हाथ और दो पैर होते हैं। किसी मानव के वयस्क होने तक उसका शरीर लगभग 50 ट्रिलियन कोशिकाओं, जो कि जीवन की आधारभूत इकाई है, से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं के जीव वैज्ञानिक संगठन से अंततः पूरे शरीर की रचना होती है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मानव शरीर कैसे काम करता है। How does the human body work? मानव शरीर विभिन्न संरचनात्मक स्तरों का एक जटिल संगठन है। इसकी शुरुआत परमाणुओं यानी एटम्स, अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स और यौगिकों यानी कंपाउंड से होती है, तथा कोशिकाएं ऊतक, अंग यानी ऑर्गन्स एवं जटिल संस्थान या तंत्र यानी सिस्टम्स आपस में मिलकर संपूर्ण मानव का निर्माण करते हैं। रासायनिक स्तर पर मानव शरीर विभिन्न जैविक रसायनों का संगठनात्मक तथा क्रियात्मक रूप होता है। इसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु यौगिकों के रूप में संगठित होकर जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। इन तत्वों में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं सल्फर मुख्य माने जाते हैं। जब दो या उससे अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो वे एक अणु की संरचना करते हैं। उदाहरणार्थ, जब ऑक्सीजन की दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो वे ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं, जिसे O2 लिखा जाता है। इस अणु में एक से अधिक परमाणु हो तो उसे यौगिक यानी कंपाउंड कहते हैं। जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की तरह ही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एवं वसा भी ऐसे यौगिक माने जाते हैं जो मानव शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी कोशिकाएं सेल्स। कोशिकाएं शरीर का सूक्ष्मतम रूप होती हैं। मानव शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोशिकाएं काफी सूक्ष्म होती हैं, इसीलिए इन्हें सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है। कोशिका को जीवन की इकाई भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जीवन की समस्त मूलभूत क्रियाएं आदि संपन्न होती हैं, जैसे वृद्धि, ग्रोथ, चयापचय, मेटाबॉलिज्म, श्वसन, रेस्पिरेशन, पाचन, डाइजेशन, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, उत्तेजनशीलता, इरिटेबिलिटी एवं प्रजनन, रिप्रोडक्शन है। कोशिकाएं अलग अलग आकार और प्रकार की होती हैं। और हमारे ऊतक टिश्यूज। समान गुणों वाली एक ही आकार की तथा एक ही कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इन्हें चार समूहों में विभाजित किया गया है, जैसे उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक, मसल टिश्यू तथा तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। हमारे अंग ऑर्गन्स। अंग दो या उससे ज्यादा तरह के ऊतकों का एक युग्मज संग्रह होता है, जो एक साथ कार्य करके एक विशेष प्रकार की क्रिया करता है। उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है आमाशय यानी स्टमक। एपिथेलियल नामक ऊतक आमाशय की परत का काम करता है तथा इसे आमाशय की दीवार से स्रावित होने वाले विभिन्न एंजाइम्स तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की क्रिया से बचाने में सहायक होता है। अरेखित नामक पेशी ऊतक स्मूथ मसल टिश्यू भोजन को मथता यानी चर्न करता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। नर्वस नामक ऊतक तंत्रिका के आवेग नर्व इम्पल्स का प्रेषण करता है, जो पेशी संकुचनों का प्रारंभ तथा उनका समन्वय करता है। कनेक्टिव नामक ऊतक बाकी सभी ऊतकों को एक साथ थामे रखने में सहायता करता है। हमारी तंत्र पद्धति नर्वस सिस्टम। शरीर के अलग अलग अंग एक साथ मिलकर किसी एक खास क्रिया को करने का कार्य करते हैं। इस क्रिया को सामूहिक रूप से तंत्र सिस्टम कहते हैं। उदाहरण, श्वसन संस्थान में बहुत से अंग यानी ऑर्गन्स होते हैं, जो शरीर के बाहर की वायु तथा अंदर के रक्त के बीच यांत्रिक विधि से विनिमय यानी परिवर्तन करते हैं। पाचन संस्थान के विभिन्न अंग भोजन के सख्त पदार्थों को नरम पदार्थों में बदल देते हैं, जिससे सारभूत तत्व आसानी से शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शरीर के सारे तंत्र खास होते हैं तथा उनके कार्य मानव शरीर को प्रगतिशील एवं कार्यकुशल बनाए रखने के लिए समन्वयित होते हैं। किसी अकेले तंत्र का कोई वजूद नहीं है। हर तंत्र के अंग अपने कार्यों को करने के लिए आपस में जुड़े रहते हैं। ये सारे विभिन्न तंत्र एक साथ समूहित होकर किसी प्रकार मानव शरीर की रचना करते हैं।
इसके बारे में अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। त्वचीय पद्धति इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम। इस तंत्र में बाल, नाखून, त्वचा, पसीना एवं तेलीय ग्रंथियां शामिल होती हैं। ये तंत्र आंतरिक अंगों यानी इंटरनल ऑर्गन्स को आच्छादित करके उनकी रक्षा करता है। ये शरीर के तापमान के नियमन में सहायक होता है। इसमें संवेदी ग्राही सेंसरी रिसेप्टर्स भी मौजूद रहते हैं जो दीपनों यानी स्टिमुली को ग्रहण करके उनका संचालन करते हैं। और हमारा कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र में हड्डियां और उपास्थियां कार्टिलेजेस शामिल होती हैं। ये तंत्र शरीर को आकार प्रदान करता है, सहारा देता है तथा उसके अंगों यानी ऑर्गन्स की रक्षा करता है। कंकालीय पेशियों यानी स्केलेटल मसल्स एवं तंत्रिका तंत्र के सहयोग से जोड़ों में गति यानी मूवमेंट आती है। इसके अलावा ये तंत्र रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी करता है। और हमारे शरीर का पेशीय तंत्र मस्कुलर सिस्टम। शरीर का पूरा कंकाल तंत्र पेशियों से आच्छादित होता है जिसे सामूहिक रूप से पेशीय तंत्र कहते हैं। पेशीय तंत्र के माध्यम से ही पूरे शरीर में गति पैदा होती है। कंकाल तंत्र और पेशीय तंत्र को एक साथ मिलाकर गति संस्थान लोकोमोटर सिस्टम भी कहते हैं। ये शरीर में गर्मी पैदा करता है तथा शरीर के अंगों द्वारा पदार्थों को गतिशील बनाए रखता है। इस तंत्र में तीन अलग अलग तरह की पेशियां शामिल होती हैं: कंकालीय स्केलेटल चिकनी स्मूथ तथा हृदय कार्डियक पेशियां। इनके अलावा इसमें प्रावरणियों फैसिके एवं कंडराई नसें टेंडन्स भी होती हैं, जो पेशियों को हड्डियों से जोड़ती हैं। और हमारी तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर की ज्यादातर क्रियाओं को नियमित एवं नियंत्रित करता है। ये तंत्र संवेदी अंगों से संदेश प्राप्त करके उनका विश्लेषण करता है और पेशियों की गतियों को शुरू करता है। इस तंत्र के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा परिसरीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो भाग होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क एवं सुषुम्ना रज्जु स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं। परिसरीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं, क्रैनियल नर्वस और सुषुम्ना से निकलने वाली 31 जोड़ी सुषुम्ना तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्व्स शामिल होती हैं। इनके अलावा एक अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र ऑटोमोनिक नर्वस सिस्टम भी होता है। ये तंत्रिका तंत्र का अनैच्छिक भाग होता है। ये शरीर में स्वयं होने वाली क्रियाओं जैसे दिल धड़कने, पाचक नली की ग्रंथियों के स्रावों आदि को नियंत्रित करता है। इसमें अनुकंपी सिंपथेटिक एवं परानुकंपी पैरासिंपथेटिक दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। और हमारा अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम। ये तंत्र शरीर का एक प्रमुख तंत्र माना जाता है। ये तंत्र तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की अलग अलग क्रियाओं को नियंत्रण में करता है। इसमें वाहिका विहीन या अंतःस्रावी ग्रंथियां डक्टलेस और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, अवटु ग्रंथि थायराइड ग्लैंड, परावटु ग्रंथियां पैराथायराइड ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथियां एड्रेनल ग्लैंड, अग्नाशय की लैगरहैंस की द्वीपिकाएं आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस ऑफ द पैनक्रियाज, जनन ग्रंथियां गोनैड्स, पुरुषों में शुक्र ग्रंथियां टेस्टिस तथा स्त्रियों में डिंब ग्रंथियां ओवरीज होती हैं। इन ग्रंथियों में बनने वाले रसों को हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स इन ग्रंथियों से होकर सीधे रक्त में पहुंच जाते हैं और रक्त के साथ भ्रमण करते हुए शरीर के उस अंग में पहुंच जाते हैं जिस पर क्रिया विशेष होती है। और बॉडी की रक्त परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे शरीर का परिवहन तंत्र माना जाता है और ये शरीर के हर अंग का पोषण करता है। इसके तंत्र में हृदय, रक्त एवं रक्तवाहिकाएं शामिल होती हैं। रक्त हृदय की पंप क्रिया द्वारा रक्तवाहिकाओं से होकर पूरे शरीर के ऊतकों में पहुंच जाता है। शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक भोजन, ऑक्सीजन, वर्ज्य पदार्थ एवं दूसरे आवश्यक पदार्थों को पहुंचाने का काम रक्त ही करता है। और रक्तवाहिकाएं दो प्रकार की होती हैं: धमनियां आर्टरीज। धमनियां हृदय से ऊतकों तक शुद्ध रक्त ऑक्सीजन सहित पहुंचाती हैं। शिराएं वेन्स। शिराएं ऊतकों से हृदय तक अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन सहित पहुंचाती हैं। लसिका तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम। इस तंत्र में लसिका लिम्फ लसिका वाहिनियां लिम्फ वेसल्स
एवं लसिका ग्रंथि लिम्फ नोड्स तथा दूसरे लसिका उत्तक प्लीहा स्प्लीन टॉन्सिल्स एवं थाइमस ग्रंथि शामिल होते हैं। ये तंत्र भी रक्त परिसंचरण तंत्र की तरह ही होता है तथा दोनों का आपस में मजबूत संबंध होता है। लसिका तंत्र इम्यून सिस्टम का एक भाग होता है और हमारा श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये तंत्र शरीर और वायुमंडल के बीच ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को लेने और छोड़ने का काम करता है। इस तंत्र में अनेक वायु मार्ग नासिका गुहा नेसल कैविटी नासिका नोज स्वर यंत्र लैरिंग्स ग्रसनी फेरिंग्स श्वास नलियां ब्रोंकस श्वास प्रणाली ट्रैकिया श्वास नलिकाएं ब्रोंक्यूलस फेफड़े लंग्स फुफ्फुस आवरण प्लूरा अंतराल पशु की पेशियां इंटरकोस्टल्स मसल्स तथा डायफ्राम शामिल होते हैं। हमारा पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तंत्र भोजन के पाचन और अवशोषण तथा अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इस तंत्र में मुख माउथ ग्रसनी फेरिंग्स ग्रास नली ओसोफेगस आमाशय स्टमक छोटी आंत बड़ी आंत मलाशय रेक्टम एवं गुदा एनस तथा विभिन्न सहायक अंग एक्सेसरी ऑर्गन्स दांत जीभ तीन जोड़ी लार ग्रंथियां सलाइवरी ग्लैंड्स अग्नाशय पैंक्रियाज जिगर लिवर पित्ताशय गॉल ब्लैडर और पित्तनली बाइल डक्ट शामिल होते हैं। पाचन तंत्र बहुत से भागों में मिलकर बना एक तंत्र है जिसमें हर भाग अपना विशेष कार्य करता है। और हमारा मूत्रीय संस्थान यूरिनरी सिस्टम। ये शरीर का मुख्य उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम है। ये चयापचय अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है तथा रक्तदाब को नियंत्रित करने जल एवं लवणों का तथा अम्ल एवं क्षारीय एसिड बेस संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। इसमें गुर्दे किडनीज दो मूत्र नलियां यूरेटर्स मूत्राशय ब्लैडर तथा मूत्र मार्ग यूरेथ्रा शामिल होते हैं। और हमारा प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तंत्र अपने जैसे ही जीव को पैदा करके प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। इसमें लिंग कोशिकाएं पैदा होती हैं तथा पुरुषों में शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ और स्त्रियों में डिंब या अंडाणु ओवा बनते हैं। इस तंत्र का संबंध संतान पैदा करने से है। इसमें स्त्री और पुरुष के बाहरी एवं आंतरिक जननांग शामिल होते हैं। और हमारा समस्थिति होम्योस्टेसिस। जब शरीर रचना एवं क्रिया में सही तरह का तालमेल होता है तो शरीर के आंतरिक अंगों में अपेक्षित स्थिरता बनी रहती है जिसे हम समस्थिति होम्योस्टेसिस कहते हैं। जैसे शरीर के बाहर का वातावरण हर समय बदलता रहता है फिर भी स्वस्थ शरीर का आंतरिक वातावरण इंटरनल एनवायरनमेंट सामान्य सीमाओं में स्थिर बना रहता है। सामान्य अवस्थाओं में मस्तिष्क में मौजूद नियंत्रण केंद्रों द्वारा शरीर के अनुकूल यंत्र विधियों मैकेनिज्म से हार्मोन स्रावित होते हैं जो विभिन्न अंगों ऑर्गन्स द्वारा सीधे रक्त में पहुंच जाते हैं। इससे शरीर की समस्थिति बनी रहती है। कुछ कार्य जैसे रक्तदाब ब्लड प्रेशर शरीर का तापमान श्वास प्रश्वास सांस लेना और छोड़ना तथा हृदय की गति होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म द्वारा नियंत्रित होते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए रासायनिक संतुलन केमिकल बैलेंस या हार्मोनल संतुलन इसकी कोशिकाओं के अंदर तथा बाहर सावधानी पूर्वक स्थिर बना रहना चाहिए। इस संतुलन के लिए कोशिकाओं के बाहर के द्रव्य एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का संगठन कॉम्पोजिशन सही तरह से स्थिर बना रहना चाहिए। बाह्य कोशिका द्रव्य पूरे शरीर में परिसंचरित होता है तथा अनेक पदार्थ इस द्रव्य के जरिए से कोशिकाओं के अंदर एवं बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार ये द्रव्य शरीर के तंत्रों बॉडी सिस्टम्स के तापमान एवं दबाव स्तरों को स्थिर रखता है। इसके साथ ही अम्ल एवं क्षारों ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का सही संतुलन बनाए रखता है तथा रक्त में पाए जाने वाले जल पोषक तत्वों न्यूट्रिएंट्स एवं अनेक रसायनों हार्मोन्स के घनत्व कंसंट्रेशन का संतुलन बनाए रखता है। व्यावहारिक रूप से शरीर में होने वाली सारी प्रक्रियाएं समस्थिति का निर्वाह करने में मदद करती हैं। उदाहरण गुर्दे यानी किडनीज रक्त को छानकर साफ करने का काम करते हैं तथा नियमन यानी रेगुलेट हुए जल एवं अनावश्यक पदार्थों को
सावधानी पूर्वक निकाल देते हैं। फेफड़े पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने एवं कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए हृदय, रक्त वाहिकाओं एवं रक्त के साथ मिलकर कार्य करते हैं। पोषक तत्व पाचन संस्थान से छोटी आंतों की भित्तियों द्वारा अवशोषित होकर रक्त में पहुंच जाते हैं। फिर रक्त इन्हें आवश्यकता अनुसार शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। सामान्य रूप से शरीर के सारे तंत्र आंतरिक समस्थिति के साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है। समस्थिति की पूरी नियमन प्रक्रिया रेगुलेशन प्रोसेस तंत्रिका एवं हार्मोनल संस्थानों के संवेदनशील तंत्र के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण के अलावा अनेक अंगों, ऑर्गन्स एवं ऊतकों की समन्वयित फीडबैक क्रिया द्वारा संभव होती है। यदि समस्त तंत्र सिस्टम्स तरह से कार्य कर रहे होते हैं तो मनुष्य स्वस्थ महसूस करता है, जिससे समस्थिति होम्योस्टैटिस का पता चलता है। यदि तंत्रों के बीच तालमेल टूट जाता है तो मनुष्य अस्वस्थ महसूस करने लगता है। यदि शरीर द्वारा स्वयं अथवा उपचार द्वारा आंतरिक समस्थिति का दोबारा स्थापन नहीं होता तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। शरीर में दबाव एवं समस्थिति स्ट्रेस एंड होम्योस्टेसिस। समस्थिति का निर्वाह करने के लिए मनुष्य को अपने मन और शरीर को आंतरिक एवं बाह्य वातावरण में पैदा होने वाले विभिन्न असंतुलनों के प्रति अनुकूल बना लेना चाहिए। शरीर में समस्थिति असंतुलनों को पैदा करने वाले कारकों यानी फैक्टर्स को स्ट्रेसर्स अर्थात दबाव पैदा करने वाले कारक कहा जाता है, तथा सर्वांगीण बिगाड़ जो शरीर में अनुकूलनीय परिवर्तनों को बाहम करता है उसे दबाव कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजिकल वायरस बैक्टीरिया। फिजियोलॉजिकल ट्यूमर्स असामान्य क्रियाएं। विकासशील वृद्धावस्था आनुवांशिक परिवर्तन। स्ट्रेसर्स भौतिक गर्मी शोरगुल। रासायनिक खाद्य हार्मोन्स या मनोवैज्ञानिक भाववेग मानसिक गड़बड़ियाँ आदि समस्थिति का संतुलन बिगाड़ सकते हैं। कुछ मात्रा में दबाव सामान्य होता है तथा यथार्थ फैवलियाओं में लाभ पहुंचाने वाला हो सकता है। उदाहरण, चलने पर हड्डियों, पेशियों एवं जोड़ों पर कुछ दबाव पड़ता है जो इन्हें मजबूती देने में सहायक होता है। चलने फिरने का कार्य न करने से या ज्यादा दबाव से हड्डियाँ और पेशियाँ कमजोर पड़ जाती हैं, जबकि ज्यादा शारीरिक दबाव से हड्डियाँ टूट जाती हैं तथा पेशियाँ फट जाती हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने स्वभाव पर काबू नहीं कर पाते हैं, उनके शरीर में रोग होने की संभावना ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति जो अपने कार्यों में अधिक व्यस्त रहते हैं, उनमें रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल स्तर वाले तथा अधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों की तरह हृदय रोग होने की संभावना रहती है। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि अधिक समय तक तनावग्रस्त रहने पर इम्यून सिस्टम की क्षमता घट जाती है, तथा कुछ चिकित्सा विशेषज्ञों ने अनुभव किया है कि दबाव अर्थात तनाव ही कई रोगों के होने का कारण है। अत्यधिक एवं निरंतर तनाव बने रहने पर रोग, अक्षमता, डिसेबिलिटी, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। और हम उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा।